हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये DIY सीरम कम क्रीम, कम नाइट क्रीम भी आप इसको बोल सकते हैं। एंड इसमें बताऊँगी आप ये क्रीम कैसे बनाओगे, एंड ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी स्किन के लिए सच में। एंड ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोई, क्रिस्टल क्लियर बनाने में हेल्प करता है ये सीरम। सो चलिए देखते हैं कि इसको किसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया है यहाँ पे रोज़ वाटर। आप कोई भी ब्रांड का रोज़ वाटर ले सकते हो। मैंने यहाँ पे गुलाबरी का रोज़ वाटर लिया था, एंड इसके बाद मैंने ये डाबर का ही आलमंड ऑयल लिया था। आप कोई भी आलमंड ऑयल ले सकते हो। अगर आपके पास आलमंड ऑयल नहीं है तो आप ले सकते हो इसकी जगह हनी। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे विटामिन ई के कैप्सूल्स ले रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं आपकी स्किन के लिए। एंड एलोवेरा ले रही हूँ यहाँ पे मैं, ये पतंजलि का एलोवेरा जेल है। अगर आपके पास प्लांट अवेलेबल है एलोवेरा का तो आप वहाँ से जेल निकाल के यूज़ कर सकते हो। एंड मैं ले रही हूँ ये कंटेनर, आप कोई भी कंटेनर ले सकते हो। जैसे कि आप क्रीम वगैरह को यूज़ करते हो, खाली हो जाते हैं कंटेनर, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। सो चलिए देखते हैं कि इसे हमने कैसे बनाना होता है। तो मैंने यहाँ पर ये बाउल ले लिया है। बाउल पे मैं ऐड कर दूंगी 2 चम्मच एलोवेरा के। एलोवेरा आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, एंड ये आपकी स्किन से पिंपल्स वगैरह को हटाने में मदद करता है। आपकी स्किन को मॉइस्चर देता है, आपकी स्किन को टेक्सचर को बहुत अच्छा करने में मदद करता है एलोवेरा। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे आलमंड ऑयल ऐड कर रही हूँ। ये एक तो आपकी स्किन से दाग धब्बों को दूर करेगा, दूसरा ये जो है मॉइस्चर देगा आपकी स्किन को, एंड बहुत अच्छा है ये भी आपकी स्किन के लिए। एंड इसके बाद मैं ये विटामिन ई के कैप्सूल ले रही हूँ। मैं 2 लूँगी और इनका ऑयल निकाल के डाल दूँगी। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये जो विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं ये आपको डायरेक्ट इनका ऑयल निकाल के अपने फेस पे लगाना चाहिए, काफ़ी अच्छे होते हैं। बट हाँ, आपको ऐसा नहीं करना होता है, आपको इनका ऑयल डायरेक्ट अपने फेस पे नहीं लगाना होता, बिकॉज इनका ऑयल बहुत ज़्यादा थिक होता है। अगर आप ऐसा करते हो तो ये जो है आपके पोर्स को क्लॉग कर देते हैं, आपको बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है। आप हमेशा एलोवेरा में मिक्स करके उसको लगा लीजिए, या तो फिर अपने क्रीम वगैरह जो मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करते हो उसमें कैप्सूल का ऑयल निकाल के मिक्स कर दीजिए, उस तरह से यूज़ कर की या तो इस तरह का सीरम बना लीजिए। सो मैंने अच्छे से विटामिन ई के ऑयल को मिक्स कर लिया था, एंड इसके बाद मैंने रोज़ वाटर ऐड किया है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रोज़ वाटर रख सकते हो, जिस तरह की आपको कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी। सो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया था, एंड इसके बाद ये डन है। सो मैं इसको कंटेनर में स्टोर कर रही हूँ या और ट्रांसफ़र कर रही हूँ मैं कंटेनर में इसको। सो ये मेरा एक सीरम बन के रेडी हो गया है। एंड नेक्स्ट मैंने क्या किया है कि इसी सीरम को मैंने इसी तरह से सेम एक और बैच बनाया, और उसमें हाफ टीस्पून मैंने उसमें हल्दी ऐड कर दी, कस्तूरी हल्दी, कच्ची हल्दी जिसको हम कहते हैं, आपको मार्केट वाली यूज़ नहीं करनी है। और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया, एंड इस तरह के कंटेनर में स्टोर कर दिया। सो ये हमारा DIY नाइट सीरम रेडी हो गया। क्लिप में इसे डिलीट हो गया था, सो मैं दिखा नहीं पाई। सो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसे हमने यूज़ कैसे करना होता है। आपको 2 टाइम इसे यूज़ करना होता है, मॉर्निंग एंड नाइट में। सो मॉर्निंग में आपको क्या करना है कि अपना फेस वॉश कर लेना है, इस तरह से मैंने कर लिया है। एंड आपके फेस में कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना कोई क्रीम, ना मॉइस्चराइज़र, कुछ भी नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि फेस को वॉश कर लीजिए, फिर ड्राई होने दीजिए, एंड उसके बाद कोई भी टोनर अप्लाई कर लीजिए। मैं यहाँ पे आयुर का टोनर अप्लाई कर रही हूँ। नहीं है आपके पास तो आप स्किप कर सकते हो। एंड इसके बाद मैं आपको ये सीरम अप्लाई करके दिखाऊंगी। एक साइड में ये हल्दी वाला अप्लाई करके दिखाऊंगी, दूसरी साइड ये नॉर्मल वाला मैं अप्लाई करके दिखाऊंगी। इस तरह से आपको इतनी क्वांटिटी में इसको लेना है, एंड अच्छे से रब करना है अपने फेस पे, यानी कि हल्के हाथों से आपको मसाज करना है इससे अपने फेस। एंड नेक पे भी आपको इसको ज़रूर लगाना है, एंड ड्राई पे लगाइए ताकि आपके डार्क सर्कल थोड़ा रिड्यूस हो सकें। एंड इस तरह से आपको इसको अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट मैं दूसरी साइड हल्दी वाला, जिसमें मैंने हल्दी मिक्स किया था, वो सीरम लगाऊंगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि हल्दी स्टेन छोड़ेगी अपना, बट हाँ ऐसा नहीं है। इसमें हमने जो हल्दी डाली वो बिल्कुल भी स्टेन नहीं छोड़ेगी अपना, बिल्कुल हल्का सा छोड़ेगी, जो कि बहुत ज़्यादा ध्यान से देखा जाए तो ही दिखेगा, अदरवाइज़ नहीं दिखता है इतना। बट फिर भी आप इसको एज अ नाइट क्रीम ही यूज़ करें, मतलब एज अ नाइट सीरम ही आप इसको यूज़ करें, नाइट में ही इसको यूज़ करें। एंड इस तरह से आपको इसको यूज़ करना है। एंड इसके बाद आपको करना क्या है कि आप इसको थोड़ा सा अपनी स्किन में पेनिट्रेट होने दीजिए, थोड़ी देर वेट कीजिए। एंड उसके बाद आपको जो है
कोई भी अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र जो भी है, लोशन, फेस लोशन जो भी आप यूज़ करते हो वो लगा लीजिए इसके ऊपर, ताकि इसकी गुडनेस और ज़्यादा अच्छी से आपके स्किन को मिल पाए। सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये अपना लैक्टोकैलामाइन का लोशन, मैं यही नॉर्मली यूज़ करती हूँ। सो मैं इसको लूँगी, जितना हम रोज़ लगाते हैं उतनी क्वांटिटी में ही हमें लेना है, एंड उसको अच्छे से अप्लाई कर देना है अपने फेस एंड नेक पे इस तरह से। सो ये था हमारा आज का DIY सीरम। सो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई